ग्रामीण इलाके का पहला ICSE से मान्यता प्राप्त बाबा फरीद पब्लिक स्कूल, गोवा केरला के अनुभवी स्टाफ के साथ इंग्लिश मीडियम फुली AC में फ्री हॉस्टल फैसिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है वडिंगखेड़ा 2 केलियावाली रोड मंडी डब्वाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बार फिर से डब्वाली का लाइंस अक्स क्लब हजारों लोगों की गवाही में एक बड़ा इतिहास कायम करने जा रहा है, जहां पर 5 राज्यों से आज 28 जोड़ों की जो कि शादियां यहां पर होने जा रही है, जिसमें लाइंस अक्स क्लब जो कि आशीर्वाद विवाह समारोह कार्यक्रम के तहत लगातार तीसरे साल भी यहाँ पर उन गरीब परिवारों की बेटियों की शादी करवा रहा है, जिसमें आज डब्वाली के हजारों लोग इस बात का गवाह बन रहे हैं। जहां पर पंजाब, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें, अलग अलग स्थानों से यहां पर जो शादियां हैं, विवाह के जोड़े जहां पर पहुंचे हैं, जहां पर उनके रीति रिवाज और परंपरा के मुताबिक उनकी शादियां की जा रही। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, लाइंस क्लब अक्स की ओर से ये एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहाँ पर आज एक जो कि सामूहिक कन्यादान आशीर्वाद विवाह समारोह यहां पर आयोजित किया गया है। और 5 राज्यों से 28 बरातें आज बठिंडा का मलवई गिद्दा, फगवाड़ा का ग्रुप विशेष आकर्षण का केंद्र बना है। और लाइंस अक्स आशीर्वाद विवाह समारोह आज अभूतपूर्व एक मेले के रूप में नज़र आ रहा है। हजारों लोगों की शिरकत, मेहमानबाजी यहां पर की गई है और समारोह का आयोजन लाइंस क्लब अक्स संस्थापक सतीश जग्गा की सानिध्या में किया जा रहा है। महाराजा पैलेस डब्वाली के पंजाब सीमावर्ती इसका गवाह बन रहा है, जहां पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली से बरातें आई हैं। अलग अलग संस्कृतियों के सुमेल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहां पर आनंद लेते युगल हजारों लोगों की मंगल कामनाओं और स्नेह के साथ जन एक नव जीवन की शुरुआत हो रही है। और डब्वाली का बैंड, बठिंडा का मलवई गिद्दा, सांस्कृतिक ग्रुप, स्थानीय कलाकार अभूतपूर्व यहाँ पर मेले में अपनी कला छटाओं के जरिए रंग बांध रहे हैं। और कार्यक्रम में 200 से ज़्यादा स्वयं सेवकों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ लंबी हलके के विधायक जथेदार गुरमीत सिंह खुडिया की तरफ से किया गया, जिसमें शुभारंभ के तौर पर यहाँ पर शुभ्रा सिहाग भी मौजूद हैं। आशीर्वाद समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला की पत्नी कांता चौटाला, मुख्य यजमान के रूप में मोहाली से यहाँ पर व्यवसायी राजेश अरोड़ा और अध्यक्ष के रूप में तरुण कक्कड़, नगर परिषद प्रधान टेकचंद छाबड़ा की ओर से शिरकत की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको स्त्री धन एक उपहार के तौर में वो भी साथ में दिया जा रहा है, और जिसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें डबल बेड बॉक्स वाला 11 सूट, लहंगा, सोने की नौस्पिन, चांदी की पायल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, संदूक, पेटी, मेज, कुर्सियाँ, सिलाई मशीन, पंखा, प्रेस, 51 बर्तन का सेट, डबल कंबल, 2 बेडशीट, खेस, गद्दे, सिरहाने, घरेलू जितना भी एक बेटी के जरूरत का सामान है वो यहाँ से देकर उसको, नव दंपतियों को देकर यहाँ से जो कि रवाना किया जाना है। और सबसे पहले वर्ष भी करीब 14 जोड़ों की शादियाँ की गई थी, दूसरे मरतबा 21 और इस बार 31 का टारगेट रखा गया था, लेकिन 3 ऐसी शादियाँ जिनका जो फॉर्म के अंदर वो फिलफिल पूरी तरीके से कंडीशन को नहीं कर पाए उनको रिजेक्ट किया गया। लेकिन 28 ऐसे नव दंपति आज जोड़े हैं जिन जो अपने आज विवाह के सूत्र में बंधे हैं और जिनको यहाँ से ही मेहमानबाजी भी इस पूरे अक्स परिवार की तरफ से की गई है और एक नया इतिहास फिर से कायम किया है। और उन गरीब परिवारों को सबसे बड़ी बात है कि इस लाइंस क्लब अक्स की ओर से सबसे पहले करीब 1 महीना पहले इसके फॉर्म खोले गए थे और एक पूरा क्राइटेरिया, आखिर जो एक ऐसा परिवार, जरूरतमंद परिवार जिसकी बेटी की शादी ना हो पा रही हो, सिर्फ उसी को सिलेक्टेड किया जाता है। और आज महाराजा पैलेस इस बात का गवाह बना है, जहां पर एक हजारों लोगों की गवाही में, उनकी ब्लेसिंग में यहां से इन 28 नव दंपति जोड़ों को यहीं से आशीर्वाद स्वरूप उनको विदा किया जाएगा। ये पावन यज्ञ लाइंस क्लब अक्स द्वारा सारे शहर के सहयोग से हो रहा है, पर मैं ये मानता हूँ कि ये केवल मात्र प्रकल्प नहीं है, एक मेला है, एक उत्सव है जो पूरे शहरवासियों ने, इलाका वासियों ने मिलकर लगाया है। और इस आधार पर लगाया है कि जब कोई बच्ची अपने शादी का सपना देखती है तो उसके मन में होता है कि मैं राजकुमारी की तरह उस शादी में सम्मिलित हूँ, मेरा मान सत्कार हो, सभी रस्में रिवाज मेरी पूरी की जाएँ।
ऐसे ही जो बेटा है उसके मन में भी होता है कि जब अपनी दुल्हन को लेने जाऊं तो एक राजकुमार की भांति जाऊं। तो ये इलाका वासियों का प्रयास रहता है कि उन बच्चों के हम सपने पूरे करें, वो तमाम व्यवस्थाएं करें ताकि उनको ऐसा महसूस हो कि हम भी खास हैं, हम भी सब में से एक हैं, क्योंकि हमारी सनातन जो सभ्यता है वही ये कहती है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना, हम सब एक हैं। तो उसी आधार पर पूरा इलाका इस काम को करता है। और जब ये बेटियां जाती हैं तो बड़ी शानदार विदाई उस समय भी होती है, इलाका वासियों की ओर से बहुत सारे उपहार दिए जाते हैं और उपहारों का अंबार लग जाता है। उसमें फर्नीचर शामिल है, उसमें ज्वेलरी शामिल है, उसमें कपड़े हैं, घरेलू जरूरत के सारे सामान हैं, तो वो सारा इलाका वासियों से दिए जाते हैं। और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि तमाम जो धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, शैक्षणिक संगठन है, उनका सहयोग यहाँ रहता है। आज के इस प्रकल्प में भी 200 से ज़्यादा वॉलंटियर जो अलग अलग संस्थाओं से आए हैं वो अपना समय का दान दे रहे हैं, कोई तन का, कोई मन का, कोई धन का दान दे रहा है, तो उन सब से ये संभव हो पाता है। और एक और खूबसूरती कि 5 प्रदेशों से बारातें आ रही हैं, गुजरात से, दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, तो 5 संस्कृतियों का एक सुमेल है। एक दूसरे की संस्कृति से भी हमें देखने को, सीखने को मिलता है। और ये प्रकल्प एक संदेश भी देता है कि किस प्रकार से हम सामूहिकता से काम कर सकते हैं, किस प्रकार से इकट्ठे होकर शादियां करेंगे तो खर्च कम हो सकता है, और किस प्रकार से बिना नशे के भी उत्सव के रूप में शादी हो सकती है, और कैसे जो बेटियां हैं वो सबकी सांझी हैं, बेटियों को पैदा होने से ना रोकें, उनकी शिक्षा की बात है, शादियों की बात है, तो समाज में बहुत सज्जन ऐसे हैं, वो संस्थाएं हैं जो उस जिम्मे को उठाएंगी, तो ऐसा भी एक संदेश देती है। उसी के साथ हम जाते हुए जितने भी हमारे नवदंपति हैं उन सबको 5-5 पौधे भी देंगे। तो ये 3 संदेश कि हमें भ्रूण हत्या नहीं करनी, बेटियों को पूरा अधिकार देना है, हमें नशों के खिलाफ रहना है और हमें पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी है, ये 3 संदेश भी यहाँ से इस सामूहिक शादियों में उनको दिए जाते हैं। बिल्कुल गुरविंदर भाई, और आप तेज हरियाणा के माध्यम से पूरा दिखाई रहे हो और एक बहुत शानदार आयोजन है। जरूरतमंद परिवार जिन्होंने खुद कल्पना नहीं की होती कि एक इतना बड़ा शादी समारोह हम मिलके कर सकते हैं, लायंस क्लब और उनकी पूरी टीम तथा पूरी डबवाली और आसपास का एरिया एक सफल आयोजन आज किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे शहर को और लायंस क्लब की टीम को। इन जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, इन्होंने भी सपने संजोए होंगे, ठीक है, परिवारों की कई बार हालात ऐसे नहीं होते, तो जब एक संस्था, एक शहर उनका परिवार बन जाता है तो आप फर्क नहीं निकाल सकते कि ये किसकी शादी हो रही है। तो बहुत ही सुंदर आयोजन, पूरे शहर को एक बार फिर से बधाई हो। लायंस क्लब अक्स की तरफ से जो डबवाली शहर में लड़कियों की शादी कराई जा रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है। लगभग इसका इसका तीसरा प्रोग्राम है, बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है और डबवाली वासियों का पूरा सहयोग है। डबवाली की हर संस्था इनके साथ खड़ी हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार जैसे 21 लड़के थे, इस बार 31 लड़कियाँ हैं, तो इसके पूरे सहयोगी हैं, पूरा शहर सहयोगी है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। शुभना, जैसे कि पता है कि जैसे ये लड़कियों की शादी, जैसे एक अहमदाबाद से बरात आई है, एक दिल्ली से आई है, तो इसके लिए डबवाली के लिए सौभाग्य की बात है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम, मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देऊंगा लायंस क्लब के सारे साथियों को कि उन्होंने इस प्रकार का एक बहुत ही अच्छा सामाजिक काम किया, और जितना कहें उतना कम है। जिस प्रकार से आज तीसरी बार इन्होंने इस प्रकार की शादियां करवाई है, मैं तो इनको कहूंगा कि जैसे जैसे हर साल और नंबर बढ़ा करके, और जहां पर जितना सहयोग हमारा चाहिएगा हम इनके साथ हैं उसके लिए, और बधाई के पात्र हैं। जी जी, देखिए कहीं ना कहीं इसमें संदेश मेरे को देने की जरूरत नहीं है, तो आज लोगों ने इस बात का संदेश दे दिया अपने आप
कि संस्कृतियां पांच प्रदेशों के आपस में आकर के मिली है, कहीं जात पात भेदभाव इन चीजों से ऊपर उठ करके इन बच्चों ने इन साथियों ने ये फैसला कराया, तो ये बहुत अच्छी बात है, इन परिवारों ने ये फैसला कराया। खत्म हो जाएगा। हम जैसे मैंने आपको कहा, हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे इनको हमारा सहयोग चाहिएगा वहाँ हम इनके साथ हैं।